हेलो गाइस, इंडियन एग्रीकोस चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर बबली आप सभी के लिए लेके आई हूँ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन। आप सभी की जो एग्जाम की डेट है एफसीआई की, वो बिल्कुल ही नजदीक है, तो हमने आप सभी के लिए एमसीक्यू एग्रीकल्चर से रेडी किए हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Which efficiency is also called on farm efficiency? The right answer is water application efficiency, जो वाटर कैनाल से होके फिर कहाँ जाता है, फील्ड पे जाता है, और कितना वाटर जो रूट जोन है उसके अंदर स्टोर होता है, उसको हम बोलते हैं वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी और ऑन फार्म एफिशिएंसी। नेक्स्ट है, व्हाट इज वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी? द राइट आंसर इज द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर डिलीवर्ड टू द फील्ड एंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर पम्प्ड इनटू द कैनाल, की कितना वाटर फील्ड के अंदर स्टोर होता है और कितना वाटर कैनाल से फील्ड के लिए भेजा जाता है, उसको हम बोलते हैं वाटर कन्वीनियंस एफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर बेनिफिशियली यूज्ड इज द सम ऑफ द वाटर यूज्ड बाय द क्रॉप एंड यूज्ड फॉर द लीसिंग इज क्या, ये क्या है, ट्रू प्रोसेस है। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस साल्ट इन द सोयल रिक्वायर्स हाई वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी। Which of the following statement is wrong about conjunctive use efficiency? The losses due to percolation and evaporation are not considered. इसके अंदर जो conjunctive use efficiency है, इसके अंदर ये दोनों प्रोसेस क्या की जाती हैं? कंसीडर की जाती हैं। नेक्स्ट है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी अगर 1 है तो उस टाइम पे कंडीशन क्या होती है कि जो डेविएशन है फ्रॉम मीन डेप्थ से वो 0 होना चाहिए, तभी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी 1 आती है। इसका मतलब क्या है कि जब फील्ड प्रिपेयर किया जाता है तो फील्ड एकदम लेवल में होना चाहिए, फील्ड ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए, तभी क्या आती है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी 1 आती है। वाटर यूज एफिशिएंसी इज हाईएस्ट इन केस ऑफ ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम यूज किए जाते हैं, सरफेस इरिगेशन है या फिर सब सरफेस इरिगेशन सिस्टम है और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम है। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में ड्रिप इरिगेशन मान सकते हो आप और स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम लेके चल सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो वाटर यूज एफिशिएंसी है वो ड्रिप इरिगेशन मेथड के अंदर देखी गई है, और ड्रिप इरिगेशन मेथड ही सबसे बेनिफिशियल रहता है। लोवेस्ट इनफिल्ट्रेशन रेट ऑफ द सोयल इज सोडिक क्ले टाइप सोयल। जो सोडिक क्ले टाइप सोयल होती है उसके अंदर जो क्ले जो एग्रीगेट्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। पार्टिकल के अलग होते ही जितने भी पार्टिकल सेपरेट होते हैं वो सारे के सारे जो पोर बना हुआ उसके अंदर भर जाते हैं और पोर स्पेस कम हो जाता है, जिसकी वजह से इनफिल्ट्रेशन रेट डाउन आ जाता है। इन विच टाइप ऑफ प्लांट स्टोमेटा ओपन एट नाइट, वो है केम टाइप के जितने भी प्लांट्स हैं उन सभी के अंदर स्टोमेटा नाइट के टाइम पे, रात के टाइम पे ओपन होता है, और उसी टाइम पे इसमें क्या होता है, ट्रांसपिरेशन। लेकिन ये डे टाइम पे ओपन इसलिए नहीं होते क्योंकि ये डेजर्ट एरिया के अंदर मेनली केम टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं और ये वाटर को स्टोर करके रखते हैं एक लॉन्गर टाइम तक, ठीक है। तो जो केम टाइप प्लांट्स है वो नाइट टाइम पे ही ट्रांसपिरेशन करते हैं और उसी टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं। Which nutrient is largely taken up by diffusion? वो है main है phosphorus. Present chairman and MD of FCI Food Corporation of India का जो present chairman है वो है अतीश चंद्रा। FCI, the nodal central agency of government of India, along with other state agencies, undertakes procurement of the crops
ये जो एफसीआई है केवल व्हीट और पैडी की खरीदारी करती है और किसी क्रॉप की खरीदारी नहीं करती। अंडर एफसीआई हाउ मेनी व्हीट प्रोक्योरमेंट सेंटर्स इन ऑन गोइंग रबी जो सीजन है उसके टाइम पे 2021 और 22 में वो है 19,030 प्रोक्योरमेंट सेंटर है जो खरीदारी वाले सेंटर हैं। लेकिन अगर जो क्रीप सीजन की जितनी भी क्रॉप्स हैं जो जैसे पैडी है, पैडी का 2020-21 में एफसीआई ने कितने सेंटर रखे थे खरीदने के लिए, वो है 73,870। द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज सेट अप अंडर द फूड कॉरपोरेशन एक्ट, द आंसर इज 1964। एफसीआई इन हरियाणा रीजन सेट अप इन द ईयर इन जनवरी मंथ इन 1972 के अंदर जो एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो हरियाणा के अंदर सेटअप हुआ था, उस टाइम पे बना था। हेडक्वार्टर कहाँ है एफसीआई का, ये है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ काडा, काडा का जो फुल फॉर्म है वो है कमांड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है कि सुटेबल क्रॉपिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाए जिससे क्या होती है सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज होती है, सोयल हेल्थ मेंटेन रहती है और सेकंड इसका पर्पज है मेंटेनिंग ड्रेनेज सिस्टम। सोयल वाटर पोटेंशियल इज एक्सप्रेस्ड एज, सोयल वाटर पोटेंशियल क्या होता है कि जो वाटर की एनर्जी है किसी भी डायरेक्शन में मूव करने को उसको हम बोलते हैं सोयल वाटर पोटेंशियल, और वो कितनी है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप उसको मेजर कर सकते हो बार के अंदर, और 760 mm मरकरी ऑफ वाटर कॉलम। अब जो 1 bar है वो किसके इक्वल है, 0.99 एटमॉस्फेयर या 1 atmosphere आप बोल सकते हो, और 10⁻⁶ डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है 1 bar। सोयल वाटर पोटेंशियल ऑफ पीडब्ल्यूपी मींस क्या है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे जो मॉइस्चर प्रेजेंट होती है उसका वाटर पोटेंशियल कितना, वो किस एनर्जी के साथ सोयल पार्टिकल से बाउंड रहती है, वो है -15 bar। सोयल वाटर पोटेंशियल ऑफ WUWP मींस अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट का वाटर पोटेंशियल कितना है, इतनी हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी -60 bar। मींस अगर वाटर पोटेंशियल, जो वाटर पोटेंशियल है जो वाटर प्रेजेंट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे अगर वाटर प्रेजेंट है और एक पॉइंट पे क्या है अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट पे वाटर प्रेजेंट है, तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी वाटर को सेपरेट करने के लिए सोयल पार्टिकल से, जब हम वाटर को सेपरेट करते हैं तो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट पे। वाटर इन एक्सेस ऑफ फील्ड कैपेसिटी इज नोन एज, जब हम इरिगेशन देते हैं या फिर रेनफॉल होती है और उस टाइम पे जब मैक्रो एंड माइक्रो जो पोर्स होते हैं वो भर जाते हैं, मींस जब फील्ड कैपेसिटी होती है सोयल की अगर उससे एक्सेस में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल वाटर, और ये ग्रेविटेशनल वाटर ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिलो द रूट जोन किस में मिल जाता है ग्राउंड वाटर के अंदर, तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेविटेशनल वाटर बेनिफिशियल नहीं है। वाटर हेल्ड इन दी कैपेलरी पोर्स, कैपेलरी पोर्स मीन जितने भी माइक्रो पोर्स हैं सोयल के अंदर उनके अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं कैपेलरी पोर्स, उन पोर्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है, एंड टेकन अप बाय दी प्लांट्स इज टर्म्ड एज कैपेलरी वाटर, ठीक है, यही वाटर प्लांट के लिए अवेलेबल होता है। नेक्स्ट है कैनोपी एंड एयर टेम्परेचर मेजर्ड बाय दी इंफ्रारेड थर्मोमीटर, ठीक है ना, जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और या हमें इरिगेशन का पता करना है कि किस टाइम पे हमें फील्ड के अंदर इरिगेशन की एप्लीकेशन करनी है, तो हम उस टाइम पे दो टेम्परेचर मेजर करते हैं, एक तो
जो सराउंडिंग एयर है वहां का, दूसरा कैनोपी टेम्परेचर। अगर एयर टेम्परेचर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू कैनोपी टेम्परेचर, तो इट मीन्स उस प्लांट को इतनी वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन इन केस अगर एयर टेम्परेचर डाउन है लेकिन कैनोपी टेम्परेचर ज्यादा है, प्लांट का टेम्परेचर ज्यादा है, तो इट मीन्स प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट है, और उस मेजरमेंट के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए इंफ्रारेड थर्मोमीटर। मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर सोयल मॉइस्चर मेजरमेंट इन इंडिया इज ग्रेविमेट्रिक मेथड। वाटर अवेलेबल बिटवीन फील्ड कैपेसिटी एंड परमानेंट विल्टिंग पॉइंट एंड विच इज रेडियली अवेलेबल टू दी प्लांट्स इज नोन एज अवेलेबल वाटर। जो अवेलेबल वाटर है उसी को प्लांट क्या करते हैं, अपटेक करते हैं। सोयल वाटर पोटेंशियल एट हाइग्रोस्कोपिक पोटेंशियल इज -30 bar। न्यूट्रॉन प्रोब कंटेन्स ए सोर्स ऑफ मेटेरियल इज रेडियम बेरिलियम मिक्सचर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अमेरिशियम बेरिलियम मिक्सचर आप यूज कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वाटर एक्सट्रैक्शन पैटर्न ऑफ फोर क्वार्टर सोयल फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज, उसका पैटर्न क्या रहता है। जो फर्स्ट क्वार्टर मीन्स जो टॉप सरफेस लेयर है उसमें से प्लांट 40% वाटर का अपटेक करता है, मीन्स इस लेयर से मोस्टली वाटर प्लांट क्या करता है, अपटेक करता है, अब्जोर्ब करता है। और जैसे जैसे लोअर जो जो बॉटम है, बॉटम जो लोअर क्वार्टर है वहां से जो वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो सबसे कम किया जाता है, वो किया जाता है 10%। ऐसे ही जो फर्स्ट लेयर होती है टॉप सोयल की, उसमें से किया जाता है वाटर का एक्सट्रैक्ट 40%। 30% किया जाता है सेकेंड क्वार्टर से, जो थर्ड क्वार्टर है उससे 20%, लेकिन जो लास्ट क्वार्टर है जो फोर्थ क्वार्टर है उससे 10% वाटर प्लांट क्या करता है, अब्जोर्ब करता है। अगर जो सैलो रूटेड क्रॉप्स हैं वो मोस्टली जो अपर लेयर होती है वहां से वाटर अब्जोर्ब करती हैं, लेकिन जो डीप रूटेड क्रॉप्स हैं, जो डीपर लेयर वाली क्रॉप्स हैं, वो जो डीप से वाटर क्या करती हैं, एक्सट्रैक्ट करती हैं और अपनी जो ट्रांसपीरेशन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करती हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर हम आपके लिए लेके आएंगे 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड, और ये आपके एफसीआई के एग्जाम को प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल वीडियो के साथ।